ईडी की छापेमारी, तो बीएसपी के पूर्व विधायक आसिफ जाफरी के ठिकानों पर भी छापेमारी। तो आसिफ के जीटीबी नगर स्थित आवास, कई साइट्स पर छापेमारी और ईडी को बड़ी संख्या में नकदी और अन्य सामान मिले हैं। आसिफ जाफरी को अतीक का करीबी माना जाता है और ईडी को बड़ी संख्या में नकदी और अन्य सामान मिले हैं। ईडी की छापेमारी आसिफ जाफरी को, जो कि बेहद करीब तरीके से कहा जा सकता है उसका खासम खास, तो आसिफ जाफरी को अतीक का बेहद करीब माना जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता, अपने सहयोगी धीरेंद्र से। धीरेंद्र, आसिफ जाफरी को अतीक का बेहद करीबी माना जाता है और इसी के चलते लगातार कार्रवाई जा रही है फिलहाल ईडी को, और क्या कुछ अहम सुराग मिले, क्या कुछ जानकारी मिली है? देखिए, आज सुबह से ही ईडी ताबक तोड़ कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है। एक साथ कई ठिकानों पर जो अतीक अहमद से जुड़े लोग रहे, जो उनके गुर्गे रहे, जो उनके रिश्तेदार रहे, उनके घरों पर ताबक तोड़ छापेमारी की जा रही है। उसी में पूर्व विधायक आसिफ सिद्दीकी के घर पे भी छापेमारी की गई है, जो यहाँ के मशहूर बिल्डर हैं, उनके संजीव अग्रवाल, उनके घर पर छापेमारी की गई है। बताया ये जा रहा है कि संजीव अग्रवाल के घर से लाखों रुपए बरामद किए गए हैं, ज्वेलरी बरामद की गई है। आसिफ सिद्दीकी के घर से भी नकदी और ज्वेलरी बरामद किए जाने की बात सामने आ रही है। इस तरह से करीब एक दर्जन से अधिक जो अतीक अहमद से जुड़े लोग हैं, उनके घरों पर ताबकतोड़ जो छापेमारी की कार्रवाई है सुबह से शुरू हुई है और अब तक अभी भी जारी है। एक तरफ माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है, जैसे ही यूपी में उनका जो प्रिजर बैन प्रवेश करती है उसी के साथ ही प्रयागराज में ताबकतोड़ ईडी की कार्रवाई शुरू हो जाती है। हालांकि इससे पहले ईडी ने अपनी पूरा होमवर्क कर लिया था, प्रिपरेशन कर लिया था कि आखिर कौन लोग ऐसे लोग हैं जो अतीक अहमद के जो उनका गैंग है उसको फाइनेंस करते थे, किसी न किसी रूप में जो लोग मदद किया करते थे, वो ईडी उनकी पूरी कुंडली खंगाल के रखी थी। और आज जिस तरीके से ताबकतोड़ ईडी की छापेमारी चल रही है, उसमें जो अतीक के समर्थक हैं या उनके जो गुर्गे हैं या उनके जो रिश्तेदार हैं, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। आलोक, बिल्कुल, ईडी ने एक तरीके से कहा जाए कि कुंडली पूरी की पूरी एक तरीके से खंगाल ली है। इसी के साथ क्या कुछ आने वाले समय में जांच का दायरा और बढ़ सकता है, जिस तरीके से लूपहोल्स निकल रहे हैं और कुछ सुराग हाथ लग रहे हैं? धीरेंद्र, देखिए, अगर हम बात करें तो 150 करोड़ से अधिक की जो संपत्ति है, ईडी ने पूरी जानकारी उनके पास पुख्ता है कि अतीक अहमद से जुड़े जो लोग हैं, जो अवैध कारोबार में जो जुटे लोग हैं, वो करीब 150 करोड़ से अधिक की जो संपत्ति है वो अर्जित किया है। तमाम ऐसे जो उनके लोग हैं, जो जमीन से कारोबार से जुड़े लोग रहे या अतीक गैंग के जो मेंबर रहे, किस तरीके से एकाएक ये धन इकट्ठा किए हैं, इस सब सारी जानकारियां पूरी तरीके से ईडी ने गोपनीय तरीके से पहले संकलित किया था। उसके बाद जब सबकी कुंडली खंगाल लिया और एक लिस्ट बनाई गई, उसके बाद अब ईडी ताबकतोड़ कार्रवाई शुरू की कर रही है और ये माना जा रहा है कि ये जो कार्रवाई है आगे भी जारी रहेगी। आलोक, नजर रखिएगा बड़ी खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए।